पिछले 15 सालों से जंगल की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर संभालने वाला रुद्र शेर क्यों ऐसी सजा का मुजरिम ठहरा जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। ठाकुर सिंह के दो हमशक्ल बेटे जिनकी प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ठाकुर सिंह के पिछले 30 सालों से बनाए गए नियम सबके लिए बराबर थे और वो बस एक ही बात कहते थे। आज से 30 साल पहले मैंने शपथ ली थी कि मजलूमों को अपनी आखिरी सांस तक बचाऊंगा और जालिमों को कभी अत्याचार नहीं करने दूंगा। मैं आज तक इसे निभाता आया हूं और हमेशा निभाता रहूंगा। ठाकुर सिंह अपनी जुबान का बड़ा पक्का था, इसलिए ठाकुर का बड़ा बेटा शामू ठाकुर के होते हुए जुल्म और अत्याचारी नहीं कर सकता था। वो जंगल पर अपना राज करना चाहता था। शामू एक बार पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि उसका छोटा भाई रुद्र एक गाय का शिकार करके वहाँ से भाग जाता है। ये देख शामू उस गाय के पास जाता है। अरे ये क्या, इसकी सांसें तो बंद हो गई। रुद्र ने इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। रुद्र ये बोल ही रहा था कि तभी ठाकुर सिंह के साथ एक भालू आता है। अरे ये क्या शामू, तुमने मेरे होते हुए इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर दिया? नहीं नहीं पिताजी, ये मैंने नहीं किया। जुबान मत चलाओ, भालू ने तुम्हें शिकार करते हुए देखा है, तुम्हें इसकी सजा मिल कर रहेगी। यह कहकर ठाकुर सिंह शामू पर वार करता है, लेकिन तभी शामू की आँख खुल जाती है। वो घबराया हुआ हड़बड़ा कर उठता है। तब उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो अपने सबसे करीबी दोस्त गोपी बाग के पास जाता है। समय आ गया है गोपी, अपने सपने को सच करने का। मैं यहाँ का राजा नहीं बन सकता तो क्या हुआ, हम पास के जंगल में जाएंगे और वहाँ के राजा कालिया को मार कर वहाँ पर अपना राज करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो शामू, तुम्हारे पिता को इसकी बनक भी पड़ गई तो कयामत टूट पड़ेगी। देखो गोपी, रुद्र और मैं हम दोनों भाई हमशक्ल है। अगर किसी कारण हम कालिया को मारने में असफल हुए तो तुम ये सारा इल्जाम रुद्र के ऊपर डाल देना, और अगर कालिया हमारे हाथ लग गया तो वहाँ का राजा मैं और मेरे सबसे खास सिपाही का ओहदा तुम्हें मिलेगा। गोपी बाग भी शामू की इस प्लान को स्वीकार कर लेता है। तब रात के समय दोनों कालिया बाग के जंगल निकल गए। कालिया अंदर सो रहा था और सिपाही उसकी निगरानी कर रहे थे। शामू दबे पांव जाता है और सिपाहियों पर वार करता है। वो दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन तभी एक सेनापति की आंख खुल जाती है। भागो दोस्त, जल्दी से यहाँ से भागो। शामू और गोपी तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। सेनापति उनका पीछा करता है, लेकिन वो बहुत दूर जा चुका था। सुबह होने पर सेनापति बाघ कालिया बाघ को पूरी बात बताता है। तो क्या तुमने उसे भागते हुए देखा? हाँ महाराज, मैंने उसका पीछा भी किया लेकिन वो भाग निकला। तो अगर वो तुम्हें दिख जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? हाँ महाराज, मैं उसे बिल्कुल पहचान लूंगा। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं और कालिया के जंगल में खबर फैलती है कि उसके सिपाही अचानक हमले से डर कर जंगल छोड़कर भाग गए। ये खबर शामू के कानों तक भी पहुँचती है। एक बार तो कालिया सिपाहियों के साए में बच गया था, लेकिन इस बार मैं उसे दबोच कर ही रहूंगा। और एक बार फिर आज पूरी तैयारी के साथ शामू अकेला ही कालिया की गुफा तक जाता है, लेकिन वहाँ एक सिपाही बीच में ही खड़ा था। शामू ने तेजी से जाकर उस पर वार कर दिया। वार करते ही उसके दांत टूट गए और वो नीचे जा गिरा, क्योंकि ये कोई सिपाही नहीं था, पत्थर का बनाया गया एक पुतला था। दरअसल जब शामू ने पहली बार वार किया था तो कालिया ने ये प्लान कर लिया था। जिसने एक बार हमला किया वो दोबारा भी जरूर आएगा, क्योंकि उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए मैं जंगल में तुम्हारे भाग जाने की खबर फैला दूंगा ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ आए। और ये पत्थर का पुतला भी इसीलिए रखवाया गया था। तब कालिया और उसके सिपाही मिलकर बाहर आते हैं। कालिया इससे पहले शामू के साथ कुछ भी करता, इस बार भी शामू अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भाग निकला। कालिया और उसके सिपाही उसका पीछा करते करते दूर तक भागते हैं। शामू भागता भागता अपने जंगल आ गया और एक छलांग लगाकर झाड़ियों में छिप गया, और कालिया और उसके सिपाही उसको ढूंढते रह गए। तभी गोपी उनके पास आता है और कहता है, क्या बात है, तुम यहाँ किसकी तलाश में आए हो? यहाँ से एक शेर ने हमारे सिपाहियों पर दो बार हमला किया, वो सफेद रंग का दिखता है
और वो यहीं कहीं छिपा है। अच्छा अच्छा, तो तुम रुद्र की बात कर रहे हो। यहाँ के राजा ठाकुर का बेटा रुद्र है, जो अभी भागता हुआ अपने पिता की गुफा पर गया है। तब गोपी उन्हें ठाकुर सिंह की गुफा के बारे में बता देता है। कालिया ठाकुर की गुफा तक पहुँच जाता है अपने सिपाहियों को लेकर। सेनापति, क्या यही है वो? हाँ महाराज, यही है वो। क्या बात है, तुम किस सिलसिले में बात कर रहे हो? पिछले 4 दिनों से तुम्हारे इस बेटे ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हमारे कई सिपाहियों को इसने जान से मार डाला। तुम अपने उसूलों के पक्के हो, इसीलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। अब जल्दी से अपने इस बेटे को हमारे हवाले कर दो। क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक सिपाही गोपी के साथ आता है। हाँ महाराज, यही है वो रुद्र। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम इनके साथ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तब वो सभी रुद्र को अपने साथ एक बड़े पिंजरे में कैद कर लेकर चले जाते हैं। इधर ठाकुर बहुत परेशान था और वो मन ही मन सोच रहा था, रुद्र तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन वो झूठ भी तो नहीं बोल रहे थे। ये गोपी अक्सर शामू के साथ मैंने देखा है। तब ठाकुर सिंह गोपी को अपनी गुफा पर बुलवाता है। आओ गोपी आओ, ये बताओ ये तुम्हारा दोस्त शामू पिछले 3-4 दिनों से कहाँ गायब है? महाराज मुझे नहीं पता महाराज। सीधी सीधी भाषा में बताते हो गोपी, या फिर तुम्हारी बीबी बच्चों को उठवा लूं? नहीं नहीं ठाकुर सिंह, मैं सब बताता हूँ। और गोपी ने सारी सच्चाई एक ही बार में उगल दी। और महाराज, शामू आजकल उसी खुफिया जगह के पास रहता है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी एक बेगुनाह को मुझे बचाना होगा। तब ठाकुर सिंह तेजी से दौड़ता भागता शामू तक जाता है और उसे घसीटता घसीटता कालिया के जंगल तक ले आता है। कालिया ने रुद्र को एक तोप में बांध रखा था और वो उसे उड़ाने ही वाला था कि तभी ठाकुर वहाँ पहुँच जाता है। रुक जाओ कालिया, तुम एक बेगुनाह को सजा देने जा रहे हो। तुम्हारा असली मुजरिम रुद्र नहीं, शामू है। रुद्र का हम शक्ल शामू देखकर सभी सिपाही भी अचंभे में पड़ गए। शामू मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन ये इतना बड़ा गद्दार निकलेगा, कभी मैंने गुमान भी नहीं किया था। लेकिन अभी से सजा तुम नहीं, मैं दूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। गलती की माफी होती है शामू, गद्दारी की नहीं। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तब ठाकुर सिंह ने अपने बड़े बेटे शामू को तोप से उड़ा दिया और तेजी से ब्लास्ट होकर शामू का वही अंत हो गया। और आज भी ठाकुर ने अपनी ली गई शपथ को जिंदा रखा। तो आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।